हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी बनाएंगे और वो भी आंवला से। बहुत हेल्दी और यमी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चैनल कुक विद कृष्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल कुक विद कृष्णा। दोस्तों, रेसिपी कंप्लीट देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया आधा किलो आंवला। आंवले इस तरह से छोटे साइज के लीजिएगा। इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिएगा ताकि कोई मिट्टी वगैरह लगी हो तो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद में आधा ग्लास पानी डालकर हम एक सीटी तक इस आंवले को उबालेंगे। यहाँ पर मैंने आंवला पहले से ही उबाल के रखा हुआ था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आंवला कितने अच्छे से पक गया। इसका पानी मैंने निकाल लिया छलनी से और ये आंवला को इस तरह से पुश करके ऐसे आप निकालेंगे तो उसका बीज इजिली निकल जाएगा। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से सारी कलियां निकल गई हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी रेसिपी है। कंप्लीट देखिएगा, बहुत यमी रेसिपी है, झटपट बनेगी ये। यहाँ पे आंवले का पानी जो है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको आप कंडीशनर के रूप में यूज कर सकते हो, पेड़ पौधों में डाल सकते हो, बहुत ही हेल्दी हो जाता है ये। इसके बाद में जो आंवले का मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ किस तरह से निकालते हैं। अंगूठे का इस तरह से हिस्सा लेकर पुश करेंगे और ये इजिली सारी कलियां यहाँ पर निकल जाएंगी। इतना आंवला हमारे को पकाना है कि ऐसे पुश करके वो इजिली निकल जाए। बहुत ही टेस्टी है, झटपट बनेगी। कंप्लीट रेसिपी देखना, इजिली आंवले की रेसिपी हमारी रेडी होगी। सारी कलियां मैं इसी तरह से आंवले की निकाल लेती हूँ। आंवले की सारी कलियां मैंने निकाल ली। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पर एक खाली कढ़ाई और इसमें मैंने यहाँ पर डाला है एक बड़ा चमचा सरसों का तेल। आप सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, लेकिन सरसों के तेल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून यानी चौथाई चम्मच हींग और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और उसके बाद जो हमने आंवले की कलियां निकाली थी सारी इसमें डालकर लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा दोस्तों और थोड़ी देर इसको सिर से पकाएंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे सौंफ। मैंने यहां पर 2 चम्मच सौंफ डाली है, साबुत वाली। बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी है। कंप्लीट देखिए और ट्राई जरूर कीजिएगा। ये रेसिपी आप बनाओगे तो एक की जगह 4 रोटी खाओगे, फुल गारंटी है। इस तरह से मसाले डालने के बाद में इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक। नमक आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहां देखिए, आप इसी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, इतना हमारे को इसके लिए चाहिए ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 चम्मच मंगरेला, जो अचार में डलता है ना, वही वाला मंगरेला। मंगरेला हम बाद में डाल रहे हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है इसका। अब क्या आंवला थोड़ा खट्टा होता है तो उसको तीखा बनाना चाहिए, तो इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून एक्स्ट्रा रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने चिली पाउडर पहले भी ऐड किया था, इसीलिए मैंने बाद में सिर्फ 1/4 टेबलस्पून ही ऐड किया है, क्योंकि आंवला खट्टा होता है, तीखापन इसमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हम जब इसको बनाते हैं बहुत ही यम्मी बनता है। आप कलर देखिए कितना बढ़िया इसका आया है। ये ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है तो आप इसमें 1 चम्मच तेल और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ऐसे भी अगर हम आंवला बनाते हैं तो 4 से 5 दिन आंवला आराम से रह जाता है। अगर तेल डालोगे तो 15 से 20 दिन भी आराम से टिक जाएगा, खराब नहीं होएगा। आंवला हमारा पूरा रेडी हो गया है। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया, टेस्ट बहुत अच्छा है। जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगी ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको बराबर बनाकर दिखाती रहूं। आप देखिए कलर देखिए कितना बढ़िया आया, बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। वाव, बहुत ही यम्मी है। जरूर ट्राई कीजिए, रेसिपी अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और भी ऐसे बहुत सारी चटपटी रेसिपीज चैनल पे हैं तो उनको भी देखिए और बताइए आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कैसी रेसिपीज आप और देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं हम नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।